एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइज। एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अपना ब्लॉग मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से मैंने अपने पिछले ब्लॉग का एंड किया हुआ था। तो अभी हमारी शॉपिंग हो चुकी है और उसके बाद हम लेडीज़ घर से बाहर निकले और गोलगप्पे ना खाएँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग आए हुए हैं स्ट्रीट फूड का मज़ा लेने। तो यहाँ पर स्टॉल लगा के रखा था मॉल के बाहर, तो यहीं पर हम लोग गोलगप्पे खा रहे हैं। और देख सकते हो अभी रात के बज रहे होंगे 8:30 का टाइम होगा और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, खाली खाली सी रोडें लग रही हैं, बहुत ज़्यादा रश नहीं है। तो मैं आपको कैमरा घुमा करके चारों तरफ का व्यू दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से है। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं पार्टी करने। देख सकते हो हम लोग कहाँ आए हुए हैं। तो जी हाँ, जस्सी हमें लेकर के आई है, डोमिनोज़ में ही हम लोग आए हैं पिज़्ज़ा खाने, पिज़्ज़ा का मज़ा लेने आए हुए हैं। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग किस खुशी में इतनी पार्टी कर रहे हैं। तो चलो पहले हम लोग आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें हाउसफुल दिख रहा है, कहीं बैठने की जगह नहीं दिख रही है। और हम लोग हैं 5-6 जन, तो 5-6 जन के लिए कम से कम बैठने की तो जगह चाहिए ही चाहिए। तो पहले उसका अरेंज, हम लोग आए हुए हैं अभी डोमिनोज़ और यहाँ सब पिज्ज़ा खाने आए हुए हैं। देख सकते हो नेहा बैठी हुई है और इधर निधि बैठी हुई है, और ये कुछ जो है वो आगे से पानी पिला रही है। और पहले हम लोगों ने खूब इंजॉय किया पार्क में, बच्चों ने खूब मस्ती करी, झूला मतलब जितने तरीके के झूले थे सब सारे बच्चों ने झूला, इन लोगों को बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर हम लोग आए जो है वो शॉपिंग करने, तो अभी तक हम लोग शॉपिंग करते रहे। और शॉपिंग करने के बाद अब लगी है भूख, वैसे दूधी कहाँ खाया हुआ था पार्क में, और उसके बाद फिर गोलगप्पे खाया था और अभी यहाँ पर आ गए हैं हम लोग पिज़्ज़ा खाने। तो बस वेट हो रहा है और जस्सी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पिज़्ज़ा ऑर्डर करने गई हुई है। तो चलो फिर पिज़्ज़ा आ जाता है, फिर खा पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो ये देखो जस्सी ने अपनी पसंद से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है और यही ओपन करने में भी लगी हुई है। तो यहाँ पर नंबर भी बहुत लंबा था, तो हमको कम से कम 15 मिनट्स वेट करना पड़ा। और उस 15 मिनट्स को वेट करने के चक्कर में ना बच्चों ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो ये आ गया है हमारा यम्मी यम्मी सा पिज़्ज़ा और हम लोग किस खुशी में पार्टी करने जा रहे हैं, तो चलो आप वो बता देते हैं। तो जी हाँ, हम लोग खुशी के आने की खुशी में पार्टी कर रहे हैं। तो खुशी जो आई हुई है मेरे घर और खुशी जस्सी आए हैं, तो बस उन्हीं के आने की खुशी में हम लोग घर से बाहर निकले हुए हैं। तो चलो हम लोग ने सोचा थोड़ा सा पार्टी कर लेते हैं, थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेते हैं। और मम्मी ने पूछा घर में कुछ खाना पीना बना ले, तो हमने कहा नहीं, आज तो हम लोग बाहर ही खाने वाले हैं। तो अभी खुशी जस्सी की पसंद का हम लोग पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, फिर उसके बाद मैं नेहा अपनी पसंद का कुछ ना कुछ खाएँगे और ये लोग हमको ज्वाइन करेंगी और हम लोग अभी इनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो वैसे मुझे पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। और देख सकते हो यहाँ पर बच्चे खूब खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और ओजस अभी थोड़ा सा शांत है क्योंकि वो फ़ोन में लगा हुआ है। तो बस, और आद्या तो मतलब एक्साइटेड हो ही जाती है खाने के नाम पर। तो चलो अभी हम लोग खा पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। पार्टी कर ही रहे थे तभी देख सकते हो कौन आ गया है, तो ये आ गए हैं और ये यहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि हाउसफुल है, सीट खाली नहीं है। तो अभी इन्होंने बोला कि तुम लोग बहुत हेल्दी चीज़ खा रहे हो और ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो जस्सी को लगा कि ये डांट रहे हैं, तो बोल रहे जीजू तो गुस्सा कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, वो ऐसे ही बोलते हैं और सच में हेल्दी तो नहीं है, बट ठीक है, कभी कदाप चल जाता है। और उसके बाद हम लोग इनके साथ आ गए हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट है जो कि काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर फास्ट फूड मिलता है, डोसा हो गया और छोले भटूरे, जो कुछ भी आप खाना चाहो, खाना भी खाना चाहो तो वो भी है। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, तो देखते हैं क्या खाते हैं हम लोग। और इतना ज़्यादा नाश्ता करने के बाद ना अभी खाना खाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मतलब खाना किसी की भी खाने की इच्छा नहीं है। तो इन्होंने देखते हैं अभी क्या ऑर्डर किया है, आई थिंक इन्होंने डोसा ही ऑर्डर किया होगा क्योंकि वो थोड़ा सा ऑयली कम होता है, उसमें ऑयल कम यूज़ होता है। और देख सकते हो ओजस को भी बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो नेहा पहले इसको खिला रही है और वो जस्ट थाली की तरफ देख रहे हैं कि हम लोग क्या खाने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग डोसा ही खाने जा रहे हैं। तो
अभी हम लोग बस घर जा रहे हैं और ये सब से मजाक करते जा रहे हैं खुशी जस्सी और निधि सबसे कि तुम लोग को और जो खाना हो खा लो। तो ये लोग बोल रहे नहीं अभी हमारे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, हम लोग कुछ नहीं अभी खाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ है, मीठा वगैरह भी है, बाहर भी स्टॉल लगा करके देते। और हम लोग अभी आ गए हैं घर, तो देख सकते हो और भाई इन लोगों को ड्रॉप करके चला गया है शादी में, तो एक बारात है वहीं गया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो अभी हम लोग इनके साथ मस्ती करने वाले हैं और एक दो घंटे तक बाकी सब लोग यहाँ पर बैठ करके उनका वेट कर रहे हैं। और टाइम हो रहा होगा इस टाइम पर 11:30 का, और ये लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि इन लोग को नींद आ रही है, तो सबको नींद आ रही है और थकान भी हो गई क्योंकि सुबह से ये लोग निकले हुए हैं। और मैं बोल रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए सो जाओ, बट ये लोग सोने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर जस्सी है, आद्या है, ये सब लोग लेट गए हैं और ये लोग लेटे हुए हैं, बाकी सब बैठे हुए हैं क्योंकि और किसी को नहीं सोना है। और अब रात में मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट करूंगी, ये लास्ट मोमेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसके बाद अब मैं सीधा आपको मॉर्निंग में मिलूंगी। और ये वेलकम बैक टू मेरे चैनल, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के 2 से 2:30 के बीच का टाइम हो रहा होगा अप्रॉक्स, और आद्या सो चुकी है। और ये टाइम थोड़ा सा फ्री टाइम होता है क्योंकि आद्या सोती है और सारे काम बाहर के जो करने होते हैं तो मोस्टली मैं यही टाइम प्रेफर करती हूँ। तो अभी मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना है, बहुत सारा काम है, और एक्चुअली एक दो अक्षत आद्या के कपड़ों की जिप ख़राब है, वो मुझे ठीक करवानी है, और कुछ शॉपिंग करनी, कुछ बैंगल्स वगैरह लेनी है। तो अक्षत मेरे साथ जा रहा है, मैं उसको साथ में लेकर के जाऊंगी। और मार्केट में रश भी थोड़ा दोपहर के समय कम होता है, शाम के समय चीज़ें सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है शॉपिंग का। तो बस मैं और अक्षत दोनों लोग मार्केट जा रहे हैं, तो चलो अभी मास्क लगा लेते हैं और चलते हैं। और इस टाइम पर कोल्ड कफ खांसी सबको हो रखा है, कल से आद्या को भी है बहुत ज़्यादा, और मम्मी को भी हो रखा है, और मुझे भी आज लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा गले में अजीब अजीब सा लग रहा है, चुभना शुरू हो गया है, आई थिंक कोल्ड हो सकता है मुझे, लेकिन मैंने गर्म पानी पी पी करके ना उसको रोक रखा है। तो चलो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं आप। पहले मैं आई हुई हूँ पार्लर क्योंकि मुझे एक्चुअली अपना हेयर कट कराना है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है क्योंकि इस टाइम पर शादियों का सीज़न चल रहा है, तो हर कोई पार्लर में आया हुआ है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ में क्योंकि मुझे अक्षत के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं, तो वही सब मैं लेने आई हुई हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ शॉप पे, तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी अच्छी सी बैंगल्स दिख रही थी, तो मैंने सोचा एक दो चलो ले लेते हैं। और जितना भी कर लो ना मन नहीं भरता है, जितनी बार भी मार्केट जाना होता है, जितनी बार भी शॉपिंग करने जाना होता है, तो बैंगल्स हो गया, बिंदी हो गया, ये सब चीज़ें ज़रूर ख़रीद लेना होता है। मतलब ये कितनी भी रखी क्यों ना हो घर में, ये ज़रूर ख़रीद लेना। तो मैं अभी मैं कॉस्मेटिक के शॉप में आई हूँ और मैं आई थिंक बैंगल ही अगेन पसंद कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे ठीक से अच्छे नहीं लगे, मतलब पसंद नहीं आए, तो मैं दूसरी शॉप में आ गई हूँ, यहाँ पर देखने आ गई हूँ। तो मैंने चूड़ियाँ वगैरह कुछ ली हुई हैं और एक दो बैंगल्स और ले रही हूँ। बाद अभी मुझे घर जाना है, और इस टाइम पर जैसा कि शादियों का सीज़न शुरू हो गया तो मेरे यहाँ भी शादी पड़ी हुई है। तो चलो अभी इस ब्लॉग का यहीं पर मैं एंड करती हूँ, पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और चलो फिर एंड करते हैं वीडियो का और मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आद्या फैमिली चैनल, बाय, टेक केयर।